इस वीडियो में हम कक्षा 8 किसले भाग 3 एनसीईआरटी हिंदी बुक है बिहार बोर्ड का, इसका प्रश्न, इसका चैप्टर नंबर 22 सुदामा चरित्र, इसका हम जानेंगे क्वेश्चन आंसर हिंदी अर्थ अगले वीडियो में समझेंगे। चार प्रश्न हैं, चलिए चारों का उत्तर जानते हैं। और ये लास्ट चैप्टर था, इसके बाद वाला चैप्टर में प्रश्न उत्तर है ही, तो ध्यान दीजिएगा। सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल की मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो द्वारपाल ने सुदामा के आने की सूचना अपने स्वामी श्री कृष्ण को दी। उसने कहा कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ है, उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना शरीर पर कोई कुर्ता या अंग रखा है, उसकी धोती फटी हुई है, कंधे पर एक पुराना दुपट्टा है परंतु पैरों में जूते नहीं है। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपके महल का पता पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विहल हो गए। इसका उत्तर होगा, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण इतना विहल हो गए कि रोने लगे। इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौती में यूं ही रह गया, अपने अश्रु जल से ही सुदामा के पैर धो डाले। अगला प्रश्न है, गुरु के यहाँ कि किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। तो बचपन में जब दोनों मित्र संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे तो आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में गए थे। गुरु माता ने गुड़ और चना सुदामा की पोटली में बांध दी थी कि दोनों खा ले, लेकिन सुदामा भूख लगने पर चुपके से स्वयं खा गए थे। इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में दिलाई। चौथा प्रश्न है, अपने गाँव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हो गया। जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने गाँव आते हैं तो अपनी झोपड़ी की जगह द्वारिका जैसा ही महल देखकर भ्रमित हो गए। लास्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है। तो जब एक मित्र धनवान और दूसरा गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है तो ऐसे मित्रों के बीच मित्रता को कृष्ण सुदामा की मित्रता जैसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमने 22वां चैप्टर का प्रश्न उत्तर जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और विषय का वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।